डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन के संबंध में रेलवे बोर्ड के द्वारा एक जेपीओ जारी की गई 10 छः 2023 में इस जेपीओ के अनुसार जो डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन किस तरीके से फॉलो होगा उसके बारे में विस्तृत में चर्चा की गई है तो इसमें स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होगी उस पर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि डिस्कनेक्शन या रिकनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है जैसा कि आप जानते हैं कि आई आर एस ई एम और जनरल रूल्स में जो प्रक्रिया निहित है कि किस तरीके से सिग्नल का मेंटेनेंस होगा उसका रिपेयर होगा ऑल्ट्रेशन वर्क्स होगा या कोई फेल्योर अटेंड होगा तो उसके लिए जो है डिस्कनेक्शन लेना मैंडेटरी होता है तो जब डिस्कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है और स्टेशन मास्टर जब डिसकनेक्शन परमिट करता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत ही उसको काम करना है उससे जरा भी इधर से उधर विचलित नहीं होना है तो जो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन के दौरान वो इस प्रकार से होती है कि डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन का प्रोटोकॉल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स uh, में लिखा हुआ है उसी के अनुसार डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन को करना है दूसरा चीज़ कि जिस सिग्नल के स्टाफ को डिसकनेक्शन रिकनेक्शन में काम करना हो उसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं और उसके पास वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं वहाँ पे काम करने के लिए इसका जांच करना है स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी है तीसरा चीज कि बिना डिसकनेक्शन अलाउ किए सिग्नलिंग स्टाफ को किसी भी गियर्स को टच नहीं करना चाहिए और जैसे ही सिग्नलिंग का मेंटेनेंस या रिपेयर्स या अल्टरेशन वर्क्स पूरा हो जाता है वैसे ही सिग्नलिंग स्टाफ के द्वारा एक रिकनेक्शन मेमो दिया जाता है उस रिकनेक्शन मेमो को स्टेशन मास्टर रिसीव करता है और उसके बाद अपनी ट्रेन की परिचालन को निर्धारित करता है तो ऐसे में जैसे ही स्टेशन मास्टर रिकनेक्शन मेमो को एक्सेप्ट करता है उसके बाद ट्रेन की परिचालन किस तरीके से होगी उस पर हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के द्वारा जैसे ही रिकनेक्शन मेमो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद मेन लाइन से पास होने वाली पहली गाड़ी को निम्न प्रक्रिया के अनुसार चलाई जाएगी ऐसी गाड़ी का आगमन सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा और उसे होम सिग्नल पे रोक दी जाएगी तत्पश्चात उस गाड़ी को रिसीव की जाएगी रन थ्रू जाने वाली गाड़ियों के प्रस्थान सिग्नलों को तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पे नहीं पहुंच जाए तथा उसके इंडिकेशन पैनल या विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे यह इंडिकेशन न आ जाए कि वह गाड़ी जो है बर्थिंग ट्रैक पे आ चुकी है यह नियम अप और डाउन दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों पे लागू होगा इन निर्देशों का अपवाद उन स्टेशनों पे होगा जो स्टेशन राइजिंग ग्रेडियंट में होते हैं या उनकी साइड कंडीशन ऐसी होती है कि उनमें रिसीव होने वाली ट्रेन के लिए आगमन सिग्नल या आगमन और प्रस्थान सिग्नल दोनों को ऑफ पोजिशन में रखा जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे लोड को इंस्टॉल होने की संभावना बनी रहती है रिले रूम्स में कोई भी अल्ट्रेशन वर्क अगर होता है तो वह अल्ट्रेशन वर्क केवल ट्रैफिक ब्लॉक में होगा या नॉन इंटरलॉक के दौरान होगा डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन से संबंधित जो भी नियम है उसको शत प्रतिशत पालन करें और प्रोटोकॉल के तहत ही डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन को करें साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट इसमें ना अपनाएं